बेतिया से पटना आ रही बस में 16 साल की लड़की के साथ ड्राइवर खलासी समेत तीन लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। पहले तो नाबालिग लड़की के कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी गई, फिर तीनों ही आरोपियों ने बारी बारी से उसकी आबरू तार तार कर दी। उसके बाद उसे बस में ही आरोपियों ने छोड़ दिया। जब लड़की को होश आया तो उसने राहगीरों से मदद मांगी और अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद उसे स्थानीय लोगों ने पुलिस के पास पहुंचाया। पीड़िता ने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें कहा है कि वो पटना जाने के लिए बस में चढ़ी थी, लेकिन बस में चालक खलासी और एक अन्य शख्स ने उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी और उसे बेहोश कर दिया। उसके साथ फिर बारी बारी से उन्होंने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। गैंग रेप के बाद लड़की को आरोपी बस में ही बंद करके फरार हो गए। शाम में जब लड़की को होश आया तो उसने खुद को बस में बंद पाया, फिर किसी तरह उसने राहगीरों से मदद मांगी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने नगर पुलिस को सूचना दी कि एक लड़की को नशा खिलाकर बस में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलने पर नगर पुलिस वहां गई और पीड़िता को अपने साथ लेकर थाने चली आई। पुलिस के पास पहुंची पीड़िता का बयान सुनने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर थाना पुलिस और महिला थाना की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर दो आरोपी जो कि बस के ड्राइवर और खलासी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे शख्स की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। उधर SDPO सदर मुकुल परिमल पांडे इस पूरे मामले की जांच में लगे हैं। वहीं पीड़ित लड़की को पुलिस सुरक्षा में रखा गया है और उसका मेडिकल जांच भी कराया जा रहा है। फिलहाल इस घटना के बारे में कोई भी पुलिस पदाधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहा है, लेकिन एक अधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि प्रथम दृष्टया में मामला सही प्रतीत हो रहा है, लेकिन बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट और आरोपियों से पूछताछ के बाद ही कुछ भी पुख्ता रूप से कहा जा सकता है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर से बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में लचर कानून व्यवस्था पर तो रोज ही सवाल उठ रहे हैं। इस कड़ी में एक और वारदात शामिल हो गई है। गैंगरेप की इस घटना से एक बार फिर बेटियां अकेले आने जाने में डर रही हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके मामले की जांच पूरी की जाए और पीड़िता को इंसाफ दिलाए, ताकि कानून व्यवस्था पर खोया हुआ विश्वास एक बार फिर से कायम हो सके। ये थी बेतिया से रामेंद्र गौतम की रिपोर्ट बिहार तक के लिए।